अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड युकीना को देखते हैं, जो फिलहाल स्कूल में है। वो सीक्रेटली ऑनलाइन नॉवल लिखती है, ये बात सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड अकीरा को पता है। अब वो अपने फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे एक रोमांटिक लव स्टोरी लिखने वाली थी, बट प्रॉब्लम ये है कि उसे लव के बारे में कुछ नहीं पता। अकीरा उसे सजेस्ट करता है, क्यों ना तुम स्टिमुलेट लव रिलेशनशिप करो, जिससे तुम्हें नॉवल लिखने में एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। पर वो मना कर देती है। युकीना अभी भी सोच रही होती है कि वो अपनी लव स्टोरी के लिए मॉडल किसे चुनेगी। तभी क्लास में एक लड़का आता है, तो वो कहती है सबसे जीनियस और पॉपुलर लड़का शिगरे, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, बस यही एक लड़का है जो मेरा मॉडल कभी नहीं बन सकता, एकदम परफेक्ट, इसके काम और शब्दों में कभी कोई कमी नहीं होती, पता नहीं ये इंसान है भी या नहीं, एकदम बोरिंग, पर मुझे कोई तो मॉडल चाहिए। तभी वो देखती है एक लड़की शिगरे को कहती है आई लाइक यू, तुमने जब कंसोल करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। पर शिगरे उसे साफ मना कर देता है। युकीना कहती है इसका मतलब हाथ पकड़ने से लव स्टार्ट होता है, और वो शिगरे से पूछती है तुम जैसा बोरिंग इंसान इतना पॉपुलर क्यों है। तभी शिगरे को कोई आवाज लगाता है, तो वो चला जाता है। उसकी डायरी वहीं गिर गई थी, जिससे देख युकीना के दिमाग की घंटी बजती है। जब शिगरे अपनी डायरी ढूंढ रहा होता है, तो वो आकर कहती है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो, तुम्हारी हॉबी थोड़ी डिस्कस्टिंग है, इसमें उन सब गर्ल्स के नाम है जिन्हें तुमने रिजेक्ट किया था, वो भी डिटेल्स के साथ, क्या ये फन था, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसा करता हूँ, मुझे ये वापस दे दो। युकीना कहती है हाँ जरूर, पर मेरे पास इसकी बहुत सारी कॉपी हैं, अगर तुम्हें खुद का सीक्रेट एक्सपोज होने से रोकना है तो मेरा पार्टनर बनो, और कॉपी फेंक देती है। वो उठाता हुआ कहता है सारी फेंक दी, इसकी हॉबी तो मुझसे भी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। युकीना कहती है मिशन वन, मेरा हाथ पकड़ो, सीक्रेट बचाना है ना। शिगरे कहता है तुम मुझे धमका रही हो। युकीना कहती है हाँ ऐसा ही कुछ, तो वो उसका हाथ पकड़ता है। युकीना कहती है वार्म फील हो रहा है। वो हटाता है, तो वो कहती है अब तक करो जब तक हमारा बॉडी टेम्परेचर सेम नहीं होता। शिगरे को वियर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो छुड़ा लेता है और कहता है मैं अपनी डायरी पक्का वापस लूंगा। वो टाइप करती है ऐसा लगा जैसे उसका बॉडी टेम्परेचर उसके हाथ से मुझ में ट्रांसफर होकर मेरे दिल की गहराइयों तक जा रहा हो। ये पढ़ उसका एडिटर कहता है क्या मस्त लिखा है युकीना, हम नॉवल की मूवी बनाएंगे, इसलिए इंटरनेट पर एक नॉवल बैटल होगी, जिसे भी ऑडियंस चूज करेगी उसी नॉवल पर मूवी बनाई जाएगी, तुम सबसे आगे हो और दूसरे नंबर पर है डॉल के, तुम्हारा कॉम्पिटिटर। स्कूल में गर्ल्स युकीना के नॉवल की तारीफ कर रही होती है, तभी वहाँ शिगरे आता है, तो वो कहती है मेरे पास तुम्हारा कुछ कीमती है। वो कहता है मैं भी ज्यादा टाइम उसे तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। शिगरे क्लास में कहता है मेरी स्टूडेंट डायरी गायब है, शायद किसी ने उठा ली हो। टीचर निट के कहने पर सब अपना सामान दिखाने लगते हैं, तो युकीना डायरी निकालती है, जिसे देख शिगरे कहता है हाँ यही है, थैंक यू। युकीना कहती है क्या ये सच में तुम्हारी है, और पढ़ती है टीचर निट, उसकी थोड़ी तारीफ के कर दो, हवा में ही उड़ जाता है, उसके अजीब जलेबी जैसे बाल, कुंवारा बुढ़ा, वर्जिन सत्य सावित्री। टीचर नेट कहता है युकीना कुछ मत बोलो, शिगरे क्या सच में ये तुम्हारी है। शिगरे कहता है नो सर, ये मेरी बिल्कुल नहीं है। सब स्टूडेंट्स टीचर का मजाक बना रहे थे, तो टीचर कहता है तुम सब मेरे जलेबी जैसे बाल और वर्जिन होने की चिंता मत करो। रेस्ट रूम में शिगरे उसे कहता है तुम्हें चाहिए क्या, तो वो कहती है लव स्टिमुलेशन मिशन टू, मुझे गले लगाओ। वो कहता है फिर से तुम ये सब कर क्यों रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे लव तो नहीं। युकीना कहती है जो भी हो तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूँ, मुझे प्यार से धीरे से गले लगाओ। वो ऐसे ही गले लगाता है, तो युकीना कहती है तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है, और फील करती है उनकी हार्ट बीट टकरा कर एक हो गई। फिर वो कहती है मिशन थ्री, मुझे किस करो। वो कहता है तुम पागल हो, पर वो उसे झटके से अपने ऊपर गिरा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। वो धीरे धीरे उसे किस करने आता है, तभी कोई आवाज लगाता है, और वो थी शिगरे की चाइल्डहुड फ्रेंड मैमी, वो उसके साथ चला जाता है। युकीना टाइप करती है मैं उसकी सिर्फ वार्म सांसों को अपने होठों के पास फील कर पाई। ऑलमोस्ट किस वाले सीन को पढ़कर गर्ल्स बहुत एक्साइटेड थी, तो कीरा उससे पूछता है क्या तुम ये लव नॉवल
अपने एक्सपीरियंस से लिख रही हो? वो कहती है हाँ शिग्रे के साथ। वो करने के लिए मान गया। अब हम एक के बाद एक मिशन कंप्लीट करेंगे। मुझे सबसे अच्छी लव स्टोरी लिखनी है। फिर वो बास्केटबॉल रूम का अंदर से गेट लॉक कर शिग्रे को कहती है मिशन 3 किस मी। वो कहता है तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रही हो? वो कहती है अगर नहीं करोगे तो पता है ना क्या होगा। वो उसके करीब आकर कहता है आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करती है तो वो उसके ग्लासेस हटाने लगता है। वो उसे रोकती हुई कहती है नहीं मेरे ग्लासेस नहीं, ये मेरे फेस का हिस्सा है। पर वो जबरदस्ती उतार देता है तो वो मुछ पाती है तो वो उसे देखने लगता है। युकीना कहती है मुझे घूरो मत, घूरने से मुझे डर लगता है। वो हंसकर कहता है ये क्या था, तुम्हारी तो पर्सनैलिटी ही बदल गई, शेरनी से भीगी बिल्ली। अगर अगली बार मुझे धमकाया तो मैं बिल्कुल दया नहीं दिखाऊंगा, समझ गई? और चला जाता है। अकीरा शिग्रे से कहता है युकीना से दूर रहना, अगर तूने उसके साथ कुछ किया तो पछताएगा। वो कहता है तो तू उसे पसंद करता है, चिंता मत कर मैं वैसे भी लव के चक्कर में नहीं पड़ता। युकीना कहती है मैंने ये मिशन नॉवल लिखने के लिए किया पर मेरा दिल खुद ही धड़कने से बंद नहीं हो रहा। फिर उसे देख कहती है आज तो मैं मिशन 3 जरूर पूरा करूंगी। पर वो गर्ल्स के साथ चला जाता है। अकीरा उसे कहता है तुमने उसे किस तो नहीं किया ना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता। पर उन्हें शिग्रे देख लेता है। अकीरा कहता है मैं तुम्हें बचपन से लाइक करता हूँ, मैं किस वाला मिशन पूरा करूंगा। उन्हें करीब होता देख शिग्रे चला जाता है। युकीना कहती है सॉरी मुझे अभी किसी को लव करने का मतलब नहीं पता। वो कहता है ठीक है मैं वेट करूंगा। फिर युकीना को आइडिया आता है अगर स्टोरी में लव राइवल होगा तो मजा ही आ जाएगा, दो लड़के एक ही लड़की को पसंद करें, लव ट्रायंगल तो लड़कियों का फेवरेट है। तभी उसे कोई पकड़कर अंदर ले आता है, वो था शिग्रे जो कहता है या तुम ये सब किसी और के साथ भी कर रही हो। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल दूंगा, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी। और उसके ग्लासेस उतार देता है। वो मुछ पाती है तो वो कहता है चलो मिशन 3 पूरा करो और किस करने लगता है। तभी मैमी आवाज लगाती है तो युकीना वहाँ से भाग जाती है। ये देख मैमी सैड थी, स्टोरी लाइन पढ़ एडिटर बहुत खुश हो रहा था। तभी वहाँ सेकंड नॉवलिस्ट डॉल के आता है जो नॉवल बैटल में युकीना का ओपोनेंट है। उसके जाने के बाद एडिटर कहता है किसी भी हालत में तुम्हें जीतना होगा तो स्टोरी में थोड़े नई आइडियाज डालो। तो वो स्टोरी में लिखती है हीरो फ्यूचर से आया एक वैम्पायर है, ये पता लगाने के लिए हीरोइन हीरो को स्कूल के बाद अकेले में लाइब्रेरी में बुलाएगी। फिर वो दोनों लाइब्रेरी में अकेले थे तो युकीना कहती है मिशन 4 और शर्ट के बटन खोलने लगती है। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो। युकीना कहती है मेरी गर्दन पर बाइट करो। शिग्रे कहता है तुम जितना मर्जी कह लो मैं ये नहीं करने वाला। वो कहती है ठीक है तो मैं किसी और को करने के लिए कहती हूँ। वो उसे रोक कर कहता है क्या तुम उस की बात कर रही हो, मैंने कहा था ना किसी और लड़की के बारे में मत सोचो, तुमने ये करने को कहा है तो अब रोना मत। और फिर उसके नेक पर बाइट करता है, वो दर्द के मारे गिर जाती है। तो शिग्रे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं ये क्या कर रहा था। गर्ल्स कैरी होती हैं, वाओ वैम्पायर, पर लव में जितना पेन होता है उतना ही मजेदार होता है। युकीना कहती है और पेन, ना 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 क्या बक रही हो। अकीरा पूछता है तुम ठीक हो, तो वो कहती है मुझे बहुत पेन होने वाला है, पता नहीं क्यों रियल लव इतना पेनफुल क्यों होता है, कोई तो बताओ। फिर वो कहती है शिग्रे का घर, कहीं वो मुझे स्टॉकर ना समझे, नहीं नहीं मैं तो यहाँ मिशन पूरा करने आई हूँ। तभी डॉल के आकर कहता है युकीना तुम यहाँ क्या करने आई हो, कितनी गर्मी है अंदर चलो। वो कहती है तुम अंदर क्यों घुस रहे हो, ये तो शिग्रे का घर है। वो कहता है शिग्रे मेरा सौतेला भाई है, फिलहाल वो पिकनिक पर गया है। तो वो कहती है चलो पिकनिक पर चले और अगर तुमने उसे मेरे नॉवल लिखने के बारे में बताया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। वो कहता है हाँ पता है। युकीना को डॉल्की के साथ आता देख शिग्रे हैरान था। यहाँ पता चलता है कि डॉल्की मैमी को लाइक करता है पर वो शिग्रे को लाइक करती है। शिग्रे उससे पूछता है तुम्हारा डॉल्की के साथ क्या रिलेशन है। युकीना कहती है मिशन 5 बताओ मुझे लव इतना पेनफुल क्यों है, तुम मुझे अपने प्यार में डालना चाहते हो ना तो बताओ। तभी डॉल क्या कर कहता है अच्छा तो ये ड्रामा चल रहा है, शिग्रे मैं तो जेलस हूँ। और युकीना को रोककर कहता है वो तुमसे लव नहीं करेगा क्योंकि उसका दिल तो कब का मर चुका है ना शिग्रे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ और उसे किस करने ही वाला था। तभी वहाँ शिग्रे आता है तो वो कहता है क्या तुझे जेलसी हो रही है। शिग्रे कहता है हाँ चल हट। वो कहता है सच में यकीन ही नहीं हो रहा। शिग्रे कहता है तुम चाहती हो मैं वो करूँ तो आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करती है पर वो किसकी बजाय
फिंगर रखकर कहता है, मिशन कंप्लीट। तुम मुझे लाइक करती हो ना? पर जैसा भी उसने कहा, मैं तो किसी से लव नहीं करता। तो अब घर का रास्ता पकड़ो। ओके, दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा था, पर युकीना वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी, जब तुम किसी को लव करो और वो तुम्हें रिजेक्ट करे तो बहुत पेन होता है। उसे सैड देख अकीरा उसे कंसोल करता है, तो वो सोचती है, अकीरा हमेशा से ही वार्म और जेंटल रहा, पर मेरा दिल तो सिर्फ शिग्रे के लिए। इधर शिग्रे सैड था, इनफैक्ट उसकी मॉम उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। युकीना के नॉवल में हीरो के सौतेले भाई के बारे में लिखा था, इसलिए एडिटर कहता है, ये तो मजेदार है, इसके बारे में और लिखो। डॉल्गे उसे कहता है, तुमने वो लव नॉवल अपनी रियल लाइफ के बारे में लिखा है ना, तुम सच में शिग्रे को लाइक करती हो, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ट्रू लव कुछ नहीं होता, अगर तुम अपनी लाइफ के बारे में लिखोगी तो एक दिन लिखना ही बंद कर दोगी। वो जाने लगती है तो वो रोककर कहता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट डे अकीरा देखता है कि युकीना डॉल्के के साथ आ रही है। डॉल्के शिग्रे से कहता है, युकीना किसी को भी डेट करे, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। शिग्रे कहता है हाँ, और गुस्सा हो चला जाता है। मैमी कहती है, तुम डॉल्के का ध्यान रखो और शिग्रे को मुझ पर छोड़ दो। अकीरा उससे पूछता है, तुमने अपना पार्टनर चेंज कर लिया, पर मैं तुम्हारे लिए सही क्यों नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। युकीना कहती है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। अकीरा सैड हो वहाँ से चला जाता है, तो वो सोचती है, अकीरा मेरे लिए स्पेशल है, पर सिर्फ शिग्रे ही मेरे लिए सही क्यों है? क्या लव करने का कोई रीजन होता है? क्या इस नॉवल को लिखने का कोई रीजन है? और एडिटर से कहती है, मैं ये नॉवल नहीं लिख सकती, पर एडिटर गुस्सा होता है। फिर वो शिग्रे के घर आती है, पर घर पे सिर्फ डॉल्के था, जो कहता है, मेरी प्रीशियस गर्लफ्रेंड। इनफैक्ट डॉल्के ने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर शिग्रे को पता चल गया कि तुम उसका यूज नॉवल लिखने के लिए कर रही हो तो वो क्या सोचेगा, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। और कहता है, क्योंकि मैं उस शिग्रे से बहुत नफरत करता हूँ, हर किसी को वही शिग्रे चाहिए, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम मेरी बन जाओ। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी एक्साइटेड फील नहीं कर रही। तभी शिग्रे उन्हें देख लेता है, वो उसे समझाती है, पर वो कहता है, वो तुम्हारा फ्रेंड और डॉल्के, तुम ये सब हर किसी के साथ करती फिरती हो, और चला जाता है। वो उसे मना करती है, पर डॉल्के उसे रोक देता है। एडिटर बताता है कि अब सारी ऑडियंस के सामने ही लास्ट नॉवल बैटल होगी, जो लाइव टेलीकास्ट की जाएगी, जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विनर होगा। पर इससे युकीना का फेस एक्सपोज हो जाएगा और शिग्रे को सब पता चल जाएगा, इसलिए वो सैड थी और शिग्रे से कहती है, कल मिलना मुझे, मैं फाइनल मिशन पूरा करूंगी। वो कहता है, और अगर मैं ना करूं? तो वो कहती है, भूल गए क्या, तुम्हारी डायरी अब भी मेरे पास है। फिर वो उसे कहती है, मैंने किसी और के साथ कोई मिशन नहीं किया, तो गलत मत समझो। वो कहता है, बताने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से पता है कि ये डॉल्के का प्लान था। युकीना कहती है, तुम अपने मास्क यानी फेक स्माइल से खुद को प्रोटेक्ट करते हो ताकि अपने दर्द को छुपा सको, बिल्कुल वैसे ही मेरे ग्लासेस मेरा मास्क है। तो वो उसकी ग्लासेस उतारने का नाटक करता है और कहता है, फाइनल मिशन क्या है? युकीना कहती है, ठीक है तो काम की बात पे आते हैं, मिशन 99। वो कहता है, तुमने बीच के स्किप कर दिए। वो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर पहले ये बताओ, तुम कभी किसी को लव क्यों नहीं कर सकते? शिग्रे कहता है, क्योंकि कुछ लोग भरोसेमंद नहीं होते, मेरे डैड ने दूसरी शादी कर मेरी मॉम को धोखा दिया और मेरी रियल मॉम ने मुझे धोखा दिया, वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं ऑलरेडी बहुत धोखा खा चुका हूँ। युकीना कहती है, ये लो तुम्हारी डायरी, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, और जाने लगती है। वो कहता है, रुको, तुम तो मुझे कुछ बताने वाली थी। युकीना जाती हुई कहती है, मैं उसे और हर्ट नहीं कर सकती, वरना उसके दिल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। डॉल्के शिग्रे को कहता है, ये ले कल के नॉवल बैटल के टिकट, तू उस लड़की को लव करने लगा ना, तब तो तुझे जरूर आना चाहिए। शिग्रे कहता है, तू अब करना क्या चाहता है? तो वो कहता है, मैं तुझे युकीना का नॉवल दिखाऊंगा। युकीना एडिटर को कहती है, सॉरी मैं नॉवल बैटल में नहीं आ पाऊंगी। इनफैक्ट युकीना के बहुत सारे फैंस हैं और अगर वो नहीं आएगी तो मूवी भी नहीं बनेगी, इसलिए डॉल्के युकीना को कॉल करता है पर वो नहीं उठाती। युकीना अकीरा से माफी मांगती है तो अकीरा कहता है, सॉरी मत बोलो, मैंने तुम्हारा नॉवल पढ़ा, थैंक यू मुझे स्पेशल सोचने के लिए, मैं तुम्हारा नॉवल बैटल देखने जरूर आऊंगा। वो कहती है, मैं आगे नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं अब किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। अकीरा कहता है, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो डरो मत। डॉल्के युकीना से कहता है, तुझे कल बैटल में आना होगा क्योंकि मुझे सुपर नॉवलिस्ट बनना है ताकि मैं फेमस हो जाऊं। वो मना करती है तो वो कहता है, तो तू चाहती है मैं शिग्रे को सब सच बता दूं? नेक्स्ट डे नॉवल बैटल में डॉल्के की एंट्री होती है, फिर एंट्री होती है युकीना की, जिसे देख शिग्रे कहता है, युकीना? और बाकी सब भी हैरान थे। डॉल्के उसे कहता है, तू शिग्रे के सामने क्या लिखने वाली है? फिर नॉवल बैटल स्टार्ट होती है,
दोनों स्पीड में टाइप कर रहे थे। युकिना लिखती है, मुझे लव के बारे में नहीं पता था, फिर भी मैंने लव स्टोरी लिखी। ये मेरा फर्स्ट लव है और आज मैं अपनी मर्जी करूंगी इस रोमांस का एंड करके। और फिर लिखना बंद कर देती है। सब हैरान थे तो वो कहती है, मैंने ये लव स्टोरी लिखने के लिए एक लड़के का यूज किया। लव को सही से समझने के लिए मैंने उसके करीब होने के लिए मिशन पूरे किए और वो सब मैंने नॉवल में लिखा, पर मैंने उसे ये नहीं बताया। डॉल्की कहता है, तो तूने उसके दिल के साथ खेलकर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। युकिना कहती है, मुझे लगा हम अपने फेक मास्क से खुद को हर्ट करने से बचा सकते हैं, पर मैं गलत थी, क्योंकि कुछ चीजें कभी नहीं छुप सकती, चाहे कितना भी कंट्रोल करो, कुछ फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो है लव की फीलिंग्स, जो मैं अब समझ गई। भले ही अब उसके दिल के दरवाजे बंद हो जाएं, पर मैं उसी दरवाजे को नॉक करना चाहती हूँ। मिशन 99, मैं कुछ बताने वाली हूँ। और ग्लासेस उतार कर कहती है, आई लाइक यू। पर शिग्रे उठकर वहाँ से चला जाता है। अकीरा शिग्रे को युकिना का नॉवल पढ़ने को कहता है, जिसमें उसकी ट्रू फीलिंग्स थीं। इधर युकिना स्टेज पर से चली जाती है और बाहर आकर रोने लगती है, क्योंकि जिससे तुम लव करते हो उसे हर्ट करना और भी ज्यादा पेनफुल है। ऐसा लगता है जैसे दिल फटने वाला हो। तभी शिग्रे आकर कहता है, मैंने तुम्हारा नॉवल पढ़ा। वो कहती है, मैं अब कोई नॉवल नहीं लिखूंगी, मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहती। शिग्रे कहता है, अगर मैं लिखने के लिए कहूँ तब भी नहीं लिखोगी, तो ऐसे ग्लासेस उतार लूंगा, अब हम दोनों के बीच इस मास्क की जरूरत नहीं। वो उसे देखती है तो वो कहता है, चलो अधूरा मिशन पूरा करें। और दोनों किस करते हैं। शिग्रे कहता है, मिशन 3 कंप्लीट। तो वो हंस के गले लग जाती है। सारे फैंस युकिना को ही वोट करते हैं तो वो जीत जाती है। शिग्रे कहता है, अब मिशन 100 मैं दूंगा, तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना होगा। वो कहती है, अगर ये तुम्हारा ऑर्डर भी होगा मैं तब भी मानूंगी। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी का एंड हो जाता है।